41 आवर्स से लाइन में खड़ा हूँ मैं। कल 11 o'clock को स्टोर ओपन हुआ था, तब से आया हुआ हूँ, इधर ही हूँ, और उसके बाद अभी मैं फर्स्ट एंटरूंगा स्टोर में 8 o'clock। इन्हीं लोगों की बदौलत एप्पल इस मुकाम तक पहुंच चुका है। इंडिया में एप्पल की सेल्स पर 35% तक का इजाफा देखा गया है। इंडिया में 70% आईफोन्स EMI पर बिकते हैं। आज हालत यह है कि इंडिया में सबको आईफोन्स चाहिए, भले ही 10 में से 7 लोग EMI पर खरीदते हों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एप्पल ने कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया हुआ है, कैसे एप्पल कंपनी लोगों का बेवकूफ बनाकर पैसे छाप रही है। गौर से देख, एप्पल है ये, तेरे बजट से बाहर। iPhone 16 is the latest one, but as usual, previous phones की तरह इसमें भी कुछ खास या नया नहीं किया गया है, क्योंकि कंपनी अच्छे से जानती है कि iPhones में कुछ बदलाव किए जाएं या ना किए जाएं, कुछ innovative करें या ना करें, लेकिन public तो iPhones खरीदेगी ही। Apple कंपनी का business model ही कुछ ऐसा है कि they don't care about innovations, उसके बावजूद भी अपने customers को अच्छे से निचोड़ना जानती है। आज के दौर में smartphones लोगों की खास जरूरत बन चुका है। इसी साल की अगर बात करें तो iPhone 15 ने सभी best selling smartphones को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि लोग Apple brand के पीछे पागल हैं। एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें आपने देखा होगा कि एक माँ अपने बेटे को आईफोन दिलाती है क्योंकि उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, और वो माँ अपने पैसों से उसे आईफोन दिलाती है जो कि एक मंदिर में फूल बेचने का काम करती है। हम बेचीला भैया ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। कर्नाटका का ये केस है जिसमें एक बंदे ने आईफोन ऑर्डर किया, लेकिन पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने डिलीवरी बॉय को ही मार डाला। इवन पूरी रात एप्पल स्टोर के बाहर लोग आईफोन खरीदने का वेट करते हैं, और लोगों के इसी पागलपन का एप्पल हर साल फायदा उठा रहा है। लेकिन एप्पल का रियल डेवलपमेंट जिस दिशा में जा रहा है, उस चीज से हम लोग अब भी अनजान हैं, जैसे विजन प्रो और उनके AR ग्लासेस। और आने वाले समय में इसी चीज में उन्नति देखते हुए एप्पल AR कंपनीज खरीदने पर लगा पड़ा है, क्योंकि एप्पल आने वाले AI के जमाने में टॉप पर रहना चाहता है। एक बार को अगर एप्पल ब्रांड को साइड में रखकर इसके एक्चुअल प्रोडक्ट्स पर अगर हम नजर डालते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कंपनी किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा छाप रही है। क्योंकि आप देखोगे कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में बहुत थोड़ा सा, बहुत माइनर से चेंज कर लॉन्च कर देती है। आईफोन्स की अगर हम बात करें तो थोड़े से चेंजेस के साथ ये कंपनी आईफोन के नए मॉडल्स लॉन्च कर देती है, और अपने इस स्लाइटली चेंजेस को ये कंपनी इम्प्रूवमेंट बताती है। iPhone 16 की अगर बात करें तो इसकी डिस्प्ले थोड़ी लार्ज कर दी गई है, कलर्स थोड़े डिफरेंट हैं, A18 चिप इसके अंदर बताई जा रही है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करेगा, स्लाइटली बैटरी को लार्ज किया गया है, कैमरा कंट्रोल के लिए एक्शन बटन दिया गया है, और मुझे नहीं लगता किसी को इसकी जरूरत पड़ेगी भी, और एज यूजुअल कैमरा को इधर उधर घुमाकर वापस से 11-12 की तरह कर दिया गया है, लेकिन कैमरा फीचर्स को स्लाइटली इम्प्रूव किया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस बार भी कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई है। कह सकते हैं कि iPhone 16 iPhone 15 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। वहीं दूसरी ओर अदर मैन्युफैक्चरर्स, अदर ब्रांड्स जैसे सैमसंग, गूगल कुछ अलग, कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश में लगे हैं। जैसे दोनों ने ही अपने फोल्डिंग फोन्स लॉन्च किए हैं। सैमसंग ने अपने फोल्डिंग फोन्स के 6 वर्जन तक लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें आप बिग एंड डबल स्क्रीन एंजॉय कर सकते हैं, और फोल्ड करने के बाद ये फोन पॉकेट में भी कंफर्टेबली कैरी हो जाता है। और गूगल पिक्सल्स के भी फोल्डिंग फोन्स काफी इनोवेटिव हैं, बट प्राइस इज हायर आई थिंक। वहीं आईफोन्स की अगर बात करें तो आईफोन्स में हर बार कुछ नया या कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि एप्पल कंपनी अपनी मर्जी की मालिक है, क्योंकि वो जानती है कि कुछ खास ना भी करेंगे तो भी पब्लिक आईफोन्स खरीदेगी ही। और एप्पल कंपनी जानती है कि उसके मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स 2 से 3 साल में फोन्स बदल देते हैं, या फिर यूं कहिए कि उनको बदलना पड़ जाता है, क्योंकि आईफोन का नया वर्जन आने के बाद ओल्ड वर्जन स्लो हो जाता है। नया आईफोन लॉन्च होने के बाद पुराने आईफोन को स्लो डाउन करने की वजह से एप्पल पर जुर्माना भी लग चुका है। इतना ही नहीं, 2016 के आसपास आईफोन 6 यूजर्स ने कंप्लेंट्स करनी भी शुरू की थी कि उनका फोन 30-40% बैटरी पर आकर शट डाउन हो जाता है, और इस बग में एप्पल का डायरेक्टली इंटरफेरेंस पाया गया था, जिसकी वजह से एप्पल को $113 मिलियन में सेटलमेंट भी करना पड़ा था। और फिर कुछ टाइम बाद ही एप्पल ने सॉफ्टवेयर अपडेट द्वारा इशू फिक्स करने का दावा भी किया था।
लेकिन इस अपडेट के बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इस अपडेट के बाद बैटरी और ज्यादा जल्दी ड्रेन होने लगी थी। होता क्या है, जब हमारा ओल्ड आईफोन वर्जन स्लो डाउन हो जाए और ठीक से परफॉर्म ना करे तो हमें लगने लगता है कि हमारा आईफोन पुराना हो चुका है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। नया आईफोन लॉन्च होने के बाद पुराने आईफोन्स की परफॉर्मेंस को जानबूझकर स्लो डाउन कर दिया जाता है और ये बात एप्पल खुद भी एडमिट कर चुका है। कहने का मतलब है कि एप्पल इनडायरेक्टली लोगों से कहता है कि पुराना आईफोन छोड़ो, कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करो और नया आईफोन खरीदो। एप्पल के स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करें तो स्पेयर पार्ट्स चेंज कराना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आईफोन आउट ऑफ वारंटी है और आपके आईफोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आप वो आईफोन अपना एप्पल सर्विस सेंटर लेकर जाते हैं तो वहाँ के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस इतनी कॉस्टली होती है कि आप नया फोन खरीदना प्रीफर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आईफोन में बैटरी प्रॉब्लम है और वो बैटरी आप किसी थर्ड पार्टी शॉप से चेंज करा देते हैं तो आपके फोन में बैटरी हेल्थ शो होना बंद हो जाएगी। और अगर आपके आईफोन के स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है और वो स्क्रीन आप किसी थर्ड पार्टी शॉप से फिक्स करा लेते हैं तो आपकी स्क्रीन टोन डिसअपीयर हो जाएगी। इवन थर्ड पार्टी से फिक्स कराने के बाद अदर अपग्रेडेशंस और फीचर्स भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि आईफोन के हर एक पार्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो सिर्फ iOS सिस्टम को सपोर्ट करता है। इसीलिए किसी भी पार्ट के रिप्लेस होने पर iOS और फैक्ट्री सिस्टम द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। इसीलिए रिसेंटली एप्पल ने कहा भी है कि 2024 के एंड तक वो आईफोन की बैटरी और स्क्रीन के लिए थर्ड पार्टी सपोर्ट ऐड करेगा। एप्पल अपनी मोनोपोली चलाता है क्योंकि एप्पल वॉचेस एंड्रॉइड के साथ कंपैटिबल ही नहीं हो पाती, और अगर करती भी है तो वॉचेस के मोस्ट ऑफ द फीचर्स काम नहीं करते। इसी वजह से एप्पल वॉचेस के कुछ मॉडल्स को US में बैन भी कर दिया गया था। इवन एप्पल को लो सूट का भी सामना करना पड़ा था। Monopolies like apples threaten the free and fair markets upon which our economy is built. लेकिन एप्पल किसी भी तरह की मोनोपोली होने से इनकार करता रहा है। We have no monopoly. There is no monopoly here. इसी वजह से यूरोपियन यूनियन लॉ के मुताबिक यूरोप में एप्पल को थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड करना अलाउड करना पड़ा। लेकिन इससे पहले थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड करने पर यह मैसेज देखने को मिलता था, और इसी मोनोपोली के चलते एप्पल को 11 साल लग गए यूएसबी चार्जर पर आते आते। लेकिन एप्पल अपनी मर्जी से या लोगों की भलाई के लिए USB-C पर शिफ्ट नहीं हुआ है, बल्कि यूरोपियन यूनियन के दबाव में आकर एप्पल को USB चार्जर पर शिफ्ट होना पड़ा। साथ ही एप्पल की कस्टमर सपोर्ट भी वर्स होती चली जा रही है। पहले किसी भी एप्पल सर्विस सेंटर पर अंडर वारंटी फोन्स फिक्स हो जाया करते थे, लेकिन अब एप्पल ने न्यू वारंटी रूल में आईफोन स्क्रीन रिपेयरिंग भी खत्म कर दी। इसके अलावा एप्पल कस्टमर्स को एप्पल सर्विस सेंटर पर डिले फेस करने के साथ साथ और भी दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रस्ट पायलट पर इसके रिव्यूज आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि एप्पल कंपनी का फोकस रिपेयर से ज्यादा रिप्लेसमेंट पर है। इसीलिए आईफोन्स की रिपेयरिंग इतनी ज्यादा महंगी होती चली जा रही है, क्योंकि एप्पल अपने आईफोन कस्टमर्स को 2 से 3 साल की साइकिल पर ही रखना चाहता है। इसीलिए अगर आपका फोन 1 ईयर की वारंटी पूरी कर चुका है तो उसको फिक्स कराने के लिए आपको नए आईफोन के आसपास की कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो ये थी एप्पल ब्रांड की चल रही मोनोपोली के बारे में कुछ खास बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।